बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने वालों, क्या हाल है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चिकन और गोभी बनाने लगी हूँ। ये देखें, मैं इसकी रेसिपी बताने लगी हूँ। ये है हल्दी आधा टीस्पून, और ये है रेड मिर्चें एक टीस्पून, और ये है नमक, ये भी एक टीस्पून है। और इसके बाद है ये मैंने ना वो लहसुन का पेस्ट बनाया है, 2-3 टीस्पून है, दो हरी मिर्चें हैं, और 2 टमाटर लिए हैं मैंने, और ये प्याज हैं, ये तीन अदद, और ये 1 केजी गोभी है, और ये सब्ज़ धनिया, ये देखे सामने। और इसके बाद ये चिकन है, ये भी 1 केजी है। और अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ये देखें, और इसमें मैं जो है ना प्याज डालने लगी हूँ। देखें, इनको ब्राउन करना है प्याज को। ये देखे प्याज ब्राउन कर रही हूँ, और प्याज ब्राउन हो रहे हैं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज शेयर करें। ये प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें मैं लहसुन डालने लगी हूँ जो पेस्ट बनाया हुआ है, ये देखें। अब इसको भी ब्राउन करना है, लहसुन को भी, ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। लहसुन डाल लें, प्याज और लहसुन ब्राउन हो रहे हैं। जो मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत थैंक यू। ये देखें, देखें लहसुन जो है ना, ये ब्राउन हो रहा है, और इसकी खुशबू भी आ रही है। देखें, प्याज कम ब्राउन किए हैं ताकि लहसुन के साथ और भी जो है ना वो ब्राउन हो जाए, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, लहसुन और प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं, ये देखते हैं, देखते हैं। और इसके बाद जो हरी मिर्चें और जो टमाटर हैं वो अब डालने लगी हूँ दोनों। अब इनको भूनना है ताकि हमारा जो मसाला है चिकन और गोभी का वो अच्छी तरह से बन जाए। ये देखें भून रही हूँ, अब इसमें ये जो नमक मिर्चें और हल्दी ऐड करनी है, ये देखें, ये अब इस मसाले को अच्छी तरह हमने भूनना है। देखें, देखें चिकन भून चुका है, ये देखें, और अब इसमें गोभी डालनी है, अब दोनों को भूनना है। ये देखें मैंने गोभी डाली, अब इन दोनों को भूनना है, चिकन और गोभी को। इनको लाइक भी करें ना, देखें, देखें चिकन और गोभी रेडी हो गई है, और आपको भी बहुत पसंद आएगी, बहुत नाइस है, मज़े की है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।